अब वो सिर्फ कॉमेडी नहीं है वो दिक्कत भाषा की भी है वो दिक्कत फिल्मों की भी है वो दिक्कत राजनीति की भी है हर चीज की दिक्कत है कपिल शर्मा का जिक्र आया जी कई लोगों ने हमने कमेंट बॉक्स में भी लिखा जब हमने कहा कि आप आ रहे हैं कि एक समय था जब शैलेश लोढ़ा जी कपिल शर्मा ब्रांड ऑफ कॉमेडी और कपिल शर्मा शो की आलोचना किया करते थे कि ये किस तरह का मंजर है जिसमें बुआ हमेशा फ्लटेशियस हैं दादी हमेशा ऐसी वगैरह वगैरह और फिर लोगों ने कहा कि उसी कपिल शर्मा शो में आप खुद भी गए यही तो बात है देखो ये बड़ी कमाल की बात है मैंने कपिल और मैं एक दूसरे से बड़ा क्योंकि हम दोनों साथ स्टेज में सिंगापुर वगैरह में हमारे शो भी हमने साथ किए थे दो में कॉमेडी नाइट विथ शैलेषन कपिल तो ये उस जमाने की बात है जब ना ये शो था लेकिन वो जो बात है वो बात एक तुलना की बात थी कि भाई ये जो चीज़ें संस्कार नहीं दे रही जो दादी वाली बात है उस बात में आज भी कायम हो जो दादी वाली बात है या या जिस तरह का वो है वो संस्कार नहीं दे रही अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं जाके ये ना बताऊं कि मैं क्या करता हूं तो मैंने वहां जाके हिंदी कविता की ताकत बताई मैंने वहां जाके जब मेरी मां कविता पढ़ी तो हर आदमी वहां खड़ा हुआ आंखों में आंसू लिए था मैं वहां गया और जो चीजें नहीं होनी चाहिए थी वो चीजें की मैं कविता लेके गया और कविता की ताकत जो होती है वो सारे देश ने देखी कविता की ताकत कितनी बड़ी है कपिल एज ए आर्टिस्ट नो डाउट ही ग्रेट और दोस्त है हमारे बट यू विद दैट ऑफ कॉमेडी हाँ उस तरह की कॉमेडी में बहुत सहज नहीं हूं मैं बिल्कुल सहज नहीं हूं जी सीरियल्स और कॉमेडी को लेकर मैं पूछना चाह रही थी हमने दो थीम्स नोटिस किए एक तो जो क्रॉस ड्रेसिंग होती है जहाँ पे जो पुरुष का कैरेक्टर होता है वो महिला की तरह ड्रेस करता है वो फन या लाफ गाना करने के लिए और दूसरी चीज जैसे हमने तारक मेहता पर देखा बट भाभी जी एक और शो वहाँ पर भी देखा कि वो अपने नेबर्स के वाइफ इन दोनों चीज़ों पर टू गेट एज अ कॉमेडी और एंटरटेनमेंट आपकी क्या सोच या राय है देखिए हमें बड़े दुख के साथ एक चीज़ माननी पड़ेगी हम सारे लोग जो हैं इस देश में मीडियोकर होते जा रहे हैं आप जितने इंटेलिजेंट बनोगे आपको नहीं सुना जाएगा आप इंटेलिजेंट बनोगे नहीं देखा जाएगा तो लल्लन टॉप है और सौरभ का ये कमाल है कि आप इतना इंटेलिजेंट चीज़ें दिखा के भी लोग बहुत अच्छा देख रहे हैं आप जैसा परिचय दे रहे थे युधिष्ठर और यक्ष के प्रश्न से लेके वहाँ से वो बातें देश तो रील देख रहा है ना देश तो पतली कमरिया मेरी हाई हाई कर रहा है नाइन्टी परसेंट तो यही कर रहा है देश आज वही रील्स चल रहे हैं, वही चल रहे हैं, उसमें आप जितने सारा सारा भाई सारा भाई कितना बढ़िया लिखा गया वो हिट नहीं, नहीं, था, इसा था, रेट, रेट नहीं, नहीं था आप मीडियोकर होते चले जाओगे आपको बहुत स्वीकार कर लिया जाएगा बहुत बढ़िया स्वीकार कर लिया जाएगा तो दिक्कत हमारे उसमें है अब वो सिर्फ कॉमेडी नहीं है वो दिक्कत भाषा की भी है वो दिक्कत फिल्मों की भी है वो दिक्कत राजनीति की भी है हर चीज़ की दिक्कत है पत्रिकाएं ख़त्म हो गई अच्छी चीज़ें हम पढ़ते नहीं हैं लाइब्रेरीज बंद हो गई देखने को वही रील्स हैं जैसा जो हम बात कर रहे हैं वो सो हम लोग इतने सतही हो गए हैं कि अब सतही चीज़ें जितनी होंगी वो पसंद की जाएंगी